नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग में 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसमें आज चौथी क्लास है। चौथी क्लास में आज एक रिवीजन के टाइम में पहला क्वेश्चन रखे हैं और इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर करिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए, पिछली क्लास में चर्चा कर चुके थे कि अगर किसी कैलेंडर की पुनरावृत्ति करना है या उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसी के आधार पर ये इसमें पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हैं। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो यहाँ, इसमें दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सोनू ने जिस कैलेंडर का प्रयोग किया सन 1989 के लिए था, क्या उस कैलेंडर का प्रयोग वह पुनः कर पाएगा? यदि हाँ तो इस कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब संभव होगा? ठीक है, तीन ऑप्शन दिए गए हैं, 1995, 2000 और 2006। उसके बाद डी कह रहा है कभी नहीं। ठीक है, तो कभी नहीं तो आप जानते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि दोबारा अर्थात जो कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, 1989 कह रहा है, तो 1989 में ईयर्स जो होते हैं कितने हैं बताओ, कितने हैं? 89 ईयर्स हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल जो आएगा इसमें वो कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है, शेषफल एक आएगा तो हम क्या करेंगे बताओ, शेषफल एक आएगा तो 6 वर्ष बाद का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, वो पुनः प्रयोग उसका हो जाएगा। कब में? 89 में 6 वर्ष ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 1995। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1995 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, वो दोबारा प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है, पहला जो आंसर है वो क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। और पहला क्वेश्चन के हिसाब से जो पीछे हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाए थे वो भी रिवाइज हो चुका है, तो आप लोग को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या कह रहा है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन जो हमारा है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, यहाँ शुरू होता है टॉपिक नेक्स्ट, या नेक्स्ट टाइप हमारा है। दूसरा है, किसी महीने की 5 तारीख अगर शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो, अगर कोई भी एक महीना है या कोई भी एक मंथ है हमारा, वो कितना है, उसकी 5 तारीख को क्या है, शनिवार, क्या है, शनिवार है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप बताएं यहाँ पे कि अगर कोई भी डेट अगर आपको दे रखा है और उस डेट पर आपको दिन पता है, तो वहाँ से अगर हम 7 प्लस कर दें तो जो अगली हमारी डेट आएगी वहाँ भी वो दिन क्या होगा, सेम होगा। यानी इसका मतलब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा कि 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को रविवार है। ठीक है, और अगला रविवार कब पड़ेगा, तो यहाँ पे जब 7 ऐड कर दोगे यानी कब आएगा बताओ, 8 तारीख। 8 तारीख को क्या आएगा, फिर रविवार पड़ेगा, यानी +7 करोगे तो सेम डे पड़ता चला जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 30 तारीख को, उस महीने की 30 तारीख को क्या होगा, अगर 5 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले अगर 5 तारीख को शनिवार है तो अगला शनिवार जो है वो कब पड़ेगा, इसमें जब 7 ऐड कर दोगे +7 करोगे यानी अगला शनिवार 12 को पड़ेगा, फिर 7 ऐड कर दोगे तो कितना पड़ेगा, 19 को पड़ेगा। ठीक है, फिर 7 ऐड कर दोगे तो कितना होगा बताओ, हो जाएगा हमारा 26, यानी 26 को भी क्या पड़ेगा, 26 को भी पड़ेगा शनिवार। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, 30 तारीख, तो 26 को शनिवार है तो 27 को क्या आएगा बताओ, 27 को संडे आएगा, 28 को मंडे आएगा, 29 को ट्यूसडे आएगा। ठीक है, और जो 30 है उस दिन क्या आ जाएगा हमारा, उस दिन हमारा आ जाएगा बताइए बुधवार। ठीक है, तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, 30 तारीख हो जाएगा बुधवार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3, बुधवार इसमें क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा कैसे, क्योंकि 7 दिन जब हम ऐड करते हैं तो जो भी दिन हम आएगा, जो भी डेट आएगी, जो दिन पे हम ऐड कर रहे हैं वो दिन हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे पहला टॉपिक का था वो हमारा बिल्कुल क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, किसी महीने की 15 तारीख अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, उस महीने की 15 तारीख को क्या है, उस महीने की 15 तारीख को क्या है, बुधवार। ठीक है, तो उस महीने की 12 तारीख, तो बहुत सारा लग गया, 12 तारीख कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 12 पीछे आ जाइए, 3 दिन पीछे आना है,
15 को क्या है, 15 को बुधवार है, ठीक है। तो इसके पीछे अगर आओगे 14 को क्या होगा, तो 14 को होगा मंगलवार। फिर 13 को क्या होगा, सोमवार होगा। ऐसे ही 12 को फिर क्या होगा, 12 को होगा रविवार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक यानी रविवार, ठीक है। या शॉर्ट में कर सकते हो आप, कैसे देखो, 15 जो है, 15 को अगर हम यहाँ पे 12 करें तो क्या कर दें बताओ, -3, ठीक है। -3 दिन आपको करना है, तो -3 दिन करोगे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, क्या आ जाएगा, रविवार, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, 12 तारीख को दिन हो जाएगा रविवार। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सेम क्वेश्चन है, किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, मंगलवार, अगर मान लीजिए मंगलवार होगा, मंगलवार है, 3 तारीख को क्या है, मंगलवार, तो उसी मंथ आपसे पूछ रहा है कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे हम 7 जब ऐड कर देंगे तो सेम डे आएगा, यानी 10 तारीख को क्या, फिर क्या पड़ेगा, फिर पड़ेगा मंगलवार। फिर 7 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 17, और 17 को फिर क्या आएगा, मंगलवार। फिर 7 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा बताओ, 24, और 24 को फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा मंगलवार। लेकिन अब 7 ऐड करोगे तो क्या होगा बताइए, ये हमारा 31 हो जाएगा। तो 31 नहीं, आपको क्या कह रहा है, 29 तारीख तक आपको जाना है, ठीक है। तो 24 को अगर क्या है, मंगलवार, तो 25 को क्या आएगा, 25 को आएगा बुधवार। 26 को क्या आएगा, बृहस्पतिवार। 27 को क्या आएगा, शुक्रवार। और 28 को क्या आएगा बताइए, शनिवार। और 29 को क्या आएगा, रविवार, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, 29 तारीख को दिन क्या आएगा, 29 तारीख को दिन आएगा रविवार, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फोर्थ में करेक्ट है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं, सभी लोग कमेंट करिए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। सबको समझ में आ चुका है तो फिर यहाँ पे आगे क्वेश्चन और हम चर्चा करते हैं, कुछ नहीं चलो एक बार रिवाइज करते हैं। किसी महीने की 3 तारीख मंगलवार है, तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यानी 3 तारीख को अगर मंगलवार है, तो किसी भी दिन में या किसी भी तारीख में हम 7 ऐड करते हैं, जो जो तारीख आएगी वो क्या होगा, सेम डे आएगा। या माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, सेम डे आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 24 तक आएंगे, और 24 को भी क्या पड़ जाएगा, मंगलवार। तो 24 से हमको 29 तक आना है, तो 29 के बाद जब आएंगे तो 29 क्या पड़ जाएगा, 29 को पड़ जाएगा हमारा रविवार, ठीक है। तो 29 को क्या हो जाएगा, रविवार, यानी पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी महीने की 2 तारीख अगर मंगलवार है, किसी महीने की 2 तारीख अगर मंगलवार है, तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखो 2 तारीख को क्या है, मंगलवार, अगर 2 तारीख को मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा, जब 7 ऐड कर दोगे, यानी 9 तारीख को क्या पड़ जाएगा, मंगलवार पड़ जाएगा। ऐसे ही 7 फिर ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा बताओ, 16, और 16 को फिर क्या आएगा, मंगलवार आएगा। फिर 7 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 23, 23 को फिर क्या हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन आपसे 21 पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 दिन पीछे आ जाओगे, या ऐसे देख लो, 17 को क्या आएगा बताओ, 17 को आ जाएगा हमारा, 17 को आएगा हमारा बुधवार, ठीक है। 17 क्या आएगा, बुधवार। 18 को क्या आएगा, 18 को आएगा बृहस्पतिवार। और 19 को क्या आएगा, 19 को आएगा शुक्रवार, ठीक है। 20 को आएगा शनिवार, और 21 को आएगा रविवार, ठीक है। तो इसमें आ क्या जाएगा बताइए, रविवार, यानी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 21 तारीख को दिन क्या होगा, रविवार, ठीक है। तो मित्रों सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये टॉपिक समझ में आया। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के जो कैलेंडर के टॉपिक टाइप होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।